हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू मनी नॉलेज चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहा है स्टाटा मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आज का टॉपिक है स्टाटा मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। स्टाटा मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने के पहले हम लोग जानकारी ले लेंगे स्टाटा हैम्परिंग फैक्टर्स क्या क्या है, कौन सा फैक्टर्स स्टाटा को हैम्पर करता है। पहले आ जाता है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ बेड्स। फॉर्मेशन का टाइम में जो स्टाटा और बेड जो फॉर्म्ड हुआ है उसका जियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन सा लेयर का ऊपर कौन सा लेयर है और उसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसा है उसका ऊपर स्टाटा हैम्पर होता है और स्टाटा मॉनिटरिंग जो स्ट्रैटेजी है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है टाइम स्पेंड ड्यूरिंग डिपिलरिंग। डिपिलरिंग का टाइम में हम लोग कभी कभी क्या करता है, कोई ब्रेकडाउन हो या किसी स्पेशल कारण से हम लोग डिपिलरिंग को किसी टाइम के लिए स्टॉप करना पड़ता है, बीच में गैप देना पड़ता है और जो टाइम डिपेंडेंट लोड है उसका चलते पिलर को क्रॉसिंग होता है और साइड स्पॉलिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है स्टाटा मॉनिटरिंग करने का टाइम, स्टाटा मॉनिटरिंग के लिए हम पर होता है। नेचुरल जो क्लिट्स है पिलर कोयले का अंदर और नेचुरल क्लिट्स कभी कभी स्टाटा मॉनिटरिंग को, कभी कभी नहीं ज़्यादातर केसेस में स्टाटा मॉनिटरिंग को हैम्पर करता है। नेचुरल स्लिप्स और क्रैक्स जो रूफ में दिखता है, ज़्यादातर पैरेलल स्लिप्स और क्रैक्स ये स्टाटा मॉनिटरिंग को बहुत हैम्पर करता है। अब आता है स्टाटा कंट्रोल क्यों ज़रूरत पड़ता है, व्हाई स्टाटा कंट्रोल इज रिक्वायर्ड। स्टेटा कंट्रोल इसलिए ज़रूरत पड़ता है एम्प्लॉयज़ जो खदन में काम करता है उसको बेटर सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। कोई डिपिलरिंग सेक्शन में रूफ फॉल होने का पहले एक इंडिकेशन देता है, रूफ जब सैगिंग होना शुरू करता है उसका पहले आइदर वाटर वार्निंग हो या कोई मैनुअल रीडिंग हो या रीड आउट यूनिट हो, उससे रीडिंग देख के पता चलता है कि रूफ गिरने वाला है। रिड्यूस्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू एक्सीडेंट्स, कभी कभी इंसिडेंट एक्सीडेंट और इंजरीज हो जाता है स्टाटा मॉनिटरिंग ठीक से नहीं करने के वजह से और नेगलेक्ट करने के वजह से, तो उसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है, ये भी रिड्यूस्ड हो जाता है अगर हम लोग सही तरीके से स्टाटा को मॉनिटरिंग करें और सही इंस्ट्रूमेंट लगाए, सही से सपोर्ट दे तब। अब आता है कि इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं स्टाटा मॉनिटरिंग करने के लिए वो कौन सा वेरिएबल मॉनिटर करता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला एक नंबर पॉइंट जो है वो इमीडिएट रूफ कन्वर्जेंस इज मेजर्ड। इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इमीडिएट रूफ जो है उसको स्टाटा को कन्वर्जेंस कितना होता है वो हम लोग मेजर कर सकता है। दोनों बेड का बीच में सेपरेशन अगर होता है तो इंस्ट्रूमेंट से पता चल जाता है कि कितना mm सेपरेशन हुआ है। मूवमेंट ऑफ स्टाटा, दोनों स्टाटा का बीच और इमीडिएट रूफ का अंदर कोई स्टाटा अगर मूव करता है तो इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग से हम लोगों को पता चल जाता है। रूफ लोड और प्रेशर मेजरमेंट, पिलर डेवलपमेंट और डिपिलरिंग का टाइम ज़्यादातर केसेस में रूफ में कितना लोड आ रहा है वो लोड सेल से हम लोग मेजर कर सकता है। स्ट्रेस मेजरमेंट, साइड पैनल बेरियर एयर पिलर का साइड में स्ट्रेस सेल लगा के स्ट्रेस मेजर कर सकता है, तो ये सब हम लोग मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज करके। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेज और बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस है इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद। एक तो पहले बता चुका हूँ कि रूप कन्वर्जेंस मेजर कर सकता है। दूसरा है कि कम स्पेस लगता है, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर केसेस में आइदर साइड या रूफ में तो बहुत छोटा स्मॉल साइज होता है, तो इसके लिए ज़्यादा स्पेस और जगह का ज़रूरत नहीं पड़ता है। दूर से कोई आदमी इसको रीडिंग देख के आराम से रीड आउट कर सकता है, या ऑटो वार्निंग जो है ऑटो वार्निंग का दूर से लाइट देख के आदमी पता चल जाता है कि इसमें लोड आ रहा है या सही है, ग्रीन जोन है तो सही है, रेड जोन है तो उसमें जाना नहीं है, यानी कि एक इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। चौथा पॉइंट है ये सब इंस्ट्रूमेंट का और एक फ़ायदा है कि दूर से रीड आउट कर सकता है, जहीं पर कहीं पे मान लीजिए हम गो फेज में इंस्टॉल किया है कोई इंस्ट्रूमेंट को और अभी वहाँ पे घुसने का हमारा दिक्कत है और वो अनसेफ जोन है, तो बिना जाके वहाँ से इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग हम लोग ले सकता है
जो केबल प्रोवाइड करके, अभी जिस टाइम वो सही था उस टाइम केबल प्रोवाइड किया जाता है और दूर से रीडिंग ले सकता है कि अभी उसका स्टेटा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, कोई कन्वर्जेंस आ रहा है, सैगिंग आ रहा है कि नहीं। सपोर्ट एफिशिएंसी चेकिंग करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। सपोर्ट का लोडिंग कैपेसिटी ठीक है कि नहीं वो भी चेक कर सकता है। ये सब इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग यूज करता है, ये कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई का सप्लाई से नहीं चलता है, ये बैटरी ऑपरेटेड है। तो और एक एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिकल जो डेंजर हम लोग को है वो नहीं आता है, सेल्फ बैटरी ऑपरेटेड है। अब चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ टेलटेल, कितना टाइप का टेलटेल हम लोग खदन में यूज करते हैं। पहला आता है रोटरी टेलटेल, रोटरी सिंगल हाइट टेलटेल, ड्यूअल हाइट टेलटेल, ट्रिपल हाइट टेलटेल, मल्टी हाइट टेलटेल और ऑटो अर्निंग टेलटेल। चलिए देख लेते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है सब इंस्ट्रूमेंट। रूफ में, अगर रूफ में इंस्टॉल करना है, रूफ में या साइड में इंस्टॉल करता है, तो रूफ में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करता है तो एक होल उसमें ड्रिल होल करना पड़ता है। ड्रिल होल का डायमीटर वेरी करता है 25 से 35 mm, और डिफरेंट डेप्थ में ये किया जाता है, कितना डेप्थ तक हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और स्टडी करेंगे उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 4 मीटर और 10 मीटर इमीडिएट रूफ को अगर हम लोग कितना डेप्थ तक हम लोग स्टडी करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे उसके ऊपर ये डेप्थ डिपेंड करता है। इंस्टॉलेशन एक रॉड आता है जो कभी कभी क्या होता है थ्रेडेड रहता है, एक के बाद एक ज्वाइन करके इंस्ट्रूमेंट का जो केबल है और वायर है उसको अंदर घुसाते हैं, तो इसको इंस्टॉलेशन रॉड कहा जाता है। इसमें स्मॉल स्पेशल एडाप्टर भी रहता है। इंस्ट्रूमेंट का जो स्प्रिंग है वो स्प्रिंग को अडेप्ट करने के लिए इंस्टॉलेशन रॉड का एक ऑन साइड में क्या होता है एंकर स्प्रिंग अडेप्टर रहता है, जिसमें वो स्प्रिंग को अडेप्ट कर लेता है और अंदर घुसाने में हेल्प करता है। ये रॉड को भीतर में पुश करके जब वो अंदर तक चला जाता है, जितना तक डेप्थ और होल किया हुआ है उतना तक पहुंचने के बाद हम लोग ड्रिल रॉड को, जो रॉड हम लोग यूज करते हैं पुशिंग करने के लिए, पुशिंग रॉड को हम लोग रिमूव कर लेता है। और रेफरेंस ट्यूब, अब रिमूव करने के बाद, पुशिंग रॉड रिमूव करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को जो रीडिंग है वो हम लोग 0 पे सेट करके उसका जो रेफरल ट्यूब है, रेफरल ट्यूब ट्यूब को सही से एडजस्ट करके और रीडिंग को 0 में सेट करके एक्स्ट्रा जो वायर है उसको काट लेता है, और फाइनली उसको क्रिम करके, फेरल ट्यूब को क्रिम करके एक्स्ट्रा वायर को रिमूव कर देते हैं और ये इंस्टॉल हो जाता है। अब आते हैं सिंगल हाइट रोटरी टेलटेल। सिंगल हाइट रोटरी टेलटेल इमीडिएट रूप में यूज किया जाता है और डेप्थ ये 4 मीटर तक होता है रूप में। डायमीटर कितना होता है, डायमीटर 28 mm से 30 mm तक होता है। और एक्सल लेवल अब होता है, एक्सल लेवल इंस्टॉल होने के बाद इसका एक्सल लेवल रीडिंग जो दिया रहता है सर्कुलर फॉर्म में, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा गई होगी, आपका ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल है इसमें रोटरी टेलटेल। जैसे ही इसमें कोई कन्वर्जेंस आता है तो उसी हिसाब से ये इंडिकेटर जो है वो रीडिंग देता है, और ये रीडिंग का स्केल भी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 0 to 5 mm अगर होगा तो वो ग्रीन पोर्शन है, और ग्रीन कलर दिया हुआ है, ग्रीन कलर के लिए हमारा कोई ख़तरा नहीं है और नो एक्शन रिक्वायर्ड, इसमें कोई एक्शन का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर रीडिंग 5 से 10 mm के बीच में आए तो येलो येलो कलर आपको दिखेगा, और येलो कलर आने से यहाँ पे एक होता है अर्निंग लेवल, वार्निंग दिया जाता है। एडिशनल सपोर्ट सिस्टम हम लोग इसमें लगाते हैं कि नहीं ये सेफ जोन नहीं है, थोड़ा सा वार्निंग लेवल है, सुपरवाइजर सब ऑफिशियल्स को इसमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब थर्ड जो रीडिंग का स्केल है वो है रेड जोन होता है 10 mm से ज़्यादा, 10 mm से ज़्यादातर केसेस में 10 से 25 mm का जोन रहता है, इसमें रेड जोन है। और रेड जोन को डेंजर जोन भी कहा जाता है क्योंकि जब भी रीडिंग रेड जोन में आ जाता है तब आदमी मैन पावर और इम्पोर्टेंट कोई सामान अगर है तो वहाँ से हटा के रिमूव करना पड़ेगा और सुपीरियर ऑफिसर्स को तुरंत खबर देना पड़ेगा। अब चलिए ड्यूअल हाइट टेलटेल। ड्यूअल हाइट टेलटेल सिंगल हाइट टेलटेल जैसा ही है, उसमें ड्यूअल हाइट टेलटेल में दो वायर यूज किया जाता है, स्प्रिंग उसमें दोनों एंड में स्प्रिंग रहता है, और एक एक जो वायर है वो बिलो
इमीडिएट रूप का विद इन रूप वोल्टिंग जोन में इंस्टॉल किया जाता है और एक वायर को अबव रूप वोल्टिंग स्टर रूप वोल्टिंग लेयर में किया जाता है। यानी कि अगर रूप सपोर्ट मेरा जितना तक है नॉर्मल केसेस में 2.5 मीटर का एक अबव रूप वोल्टिंग 2.5 मीटर में इंस्टॉल किया जाता है और एक जो यूज किया जाता है वह विद इन रूप वोल्टिंग जोन यानी कि 1.5 मीटर। ज़्यादातर ड्यूअल हेड टेलटेल जंक्शन में यूज़ किया जाता है। डेवलपमेंट का टाइम में ये यूज़ किया जाता है। कभी कभी डिप्लरिंग में भी यूज़ कर सकता है ये जंक्शन, ट्राईवे जंक्शन या फोरवे जंक्शन और एनी डिस्टर्ब एरिया उसमें ड्यूअल हेड टेलटेल हम लोग यूज़ करते हैं। रीडिंग कैसे मेजर करता है, इसमें जो दो स्प्रिंग रहता है इसका एक स्प्रिंग का रीडिंग अगर ए और एक स्प्रिंग का रीडिंग बी हो तो टोटल रीडिंग हम लोग को मिल जाता है टोटल दोनों को ऐड करके, यानी कि ए रीडिंग प्लस बी रीडिंग दोनों मिला के आ जाता है टोटल रीडिंग। अब एक्शन लेवल कैसे डिसाइड किया जाता है, टोटल रीडिंग अगर इसमें ग्रेजुएटेड रहता है वर्टिकली, जैसे यहाँ पे देख रहा है टोटल वर्टिकल रीडिंग इसमें दिया हुआ है, थ्री जोन में बटा गया है, ए स्केल को भी बी स्केल को भी, यानी कि विद इन रूप वोल्टिंग जोन इसको भी तीन भाग में बटा गया है और अबव रूप वोल्टिंग जोन इसको भी तीन भाग में बटा गया है। टोटल रीडिंग अगर 0 से 25 mm का बीच में रहे तो वो ग्रीन जोन ग्रीन कलर में दिखाया है और इसमें कोई एक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कि यह सेफ जोन है। अगर रीडिंग आपको 25 से 50 mm का बीच में आए तो ये येलो जोन है, यानी कि ये वार्निंग लेवल है। वार्निंग लेवल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई एडिशनल सपोर्ट सिस्टम का अगर जरूरत है तो उसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा और सुपरवाइजरी कोई ऑफिशियल्स होगा तो उसको इन्फॉर्म करना है। अब जो डेंजर जोन है 50 सेमी का ऊपर अगर रीडिंग आ जाता है तो उसको रेड जोन कहा जाता है, ये रेड कलर में दिखाया गया है और इसमें मैन पावर या कोई इम्पोर्टेंट सामान जो जरूरी सामान अगर है हटाने लायक तो तुरंत हटाना पड़ेगा और मैन पावर को तो कंपलसरीली हटाना है, तुरंत सुपरवाइजरी स्टाफ को सुपरवाइजरी ऑफिशियल्स को हमको इन्फॉर्म करना है। ये हो गया आपका ड्यूअल हेड टेलटेल, इसमें दो वायर दिखाया गया है और ग्रेजुएटेड रीडिंग भी इसमें है। अब आते हैं ऑटो वार्निंग टेलटेल। सिंगल हाइट और ड्यूअल हाइट टेलटेल जैसे ही प्रिंसिपल है लेकिन इसमें एक और अलग सा एक एडवांटेज है कि इसमें एलईडी लाइट दिया हुआ रहता है और जैसे रीडिंग ए डेंजर जोन में पहुंच जाता है तो उसमें एक एलईडी लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देता है और दूर से क्या होता है ये लाइट को दिखता है और आदमी उसमें नो गो जोन हो जाता है, उस जोन में आदमी नहीं पहुँचता है। यानी कि एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि एलईडी लाइट एक वार्निंग का काम करता है। मेनली डिप्लरिंग एरिया में ऑटो वार्निंग टेलटेल को हम लोग यूज करता है, गोफेज साइड में या कोई जो पिलर एक्सट्रक्शन हो रहा है उसका ट्राई जंक्शन, मिड पिलर और फोरवे जंक्शन में हम लोग यूज करते हैं। वार्निंग लेवल ज़्यादातर केसेस में सेट किया जाता है 5 mm में, ये एडजस्ट हो सकता है स्टार्टा और रूफ करेक्टरिस्टिक से ऊपर ये वार्निंग लेवल को हम लोग सेट कर सकता है, कहीं पे 4 mm 3 mm भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन ज़्यादातर केसेस में 5 mm में इसको सेट करता है। जैसे ही कन्वर्जेंस 5 mm से ज़्यादा हो जाएगा तब ये लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगा और वो नो गो जोन बन जाएगा, यानी कि वो डेंजर जोन बन जाएगा, उसमें हम लोगों को नहीं घुसना है। ये हो गया ऑटो वार्निंग टेलटेल। ये जो लाइट दिख रहा है आपका दो एलईडी लाइट, ये जलना शुरू कर देता है जब इसको जो सेटिंग कन्वर्जेंस सेटिंग डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो एक्सीड कर जाता है। तब नॉर्मली इस 10 mm डेप्थ में इसको 10 मीटर डेप्थ में ऑटो वार्निंग टेलटेल को सेट किया जाता है। ये सिंगल वायर का होता है। कन्वर्जेंस इंडिकेटर, कन्वर्जेंस इंडिकेटर सिंपल एक इंडिकेटर है जो फ्लोर से रूप का कन्वर्जेंस मेजर करता है। ये डिफरेंट टाइप का कन्वर्जेंस इंडिकेटर हो सकता है जैसे टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस रॉड, चार्ट टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, रिमोट कन्वर्जेंस इंडिकेटर, टेप टाइप एक्सटेंशन मीटर। ये हो गया आपका चार्ट टाइप कन्वर्जेंस इंडिकेटर। जैसे ही कन्वर्ज रूफ टू फ्लोर कन्वर्ज होता है तो ये जो रीडिंग एक चार्ट का थ्रू चार्ट एक सर्कुलर सेटअप का साथ एक चार्ट रहता है उसका साथ एक पेन भी अटैच किया हुआ है। जैसे ही कन्वर्जेंस होगा तो ये जो सर्कुलर पोर्शन रोटेटिंग होता है और इसके ऊपर एक ग्राफ बनता है। जैसे ग्राफ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है इसका मतलब इसका कन्वर्जन हुआ है और ये अगर पैरेलल रहे
कोई इस डिविएशन नहीं आए तो इसमें समझ में आएगा कि कोई कन्वर्जेंस नहीं हुआ है। अब आता है सोनिक एक्सटेंसोमीटर। सोनिक एक्सटेंसोमीटर एक मैग्नेटिक एंकर से जो प्लेस किया जाता है स्टाटा का अंदर, इमीडिएट रूफ का अंदर स्टाटा में प्लेस किया जाता है एंकर्स को, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है और मूवमेंट होता है वो मेजर किया जाता है। नॉर्मली अप टू 20 पॉइंट्स एंकरिंग पॉइंट्स तक सोनिक एक्सटेंसोमीटर यूज कर सकता है। कहीं कहीं 5, 6, 5 to 3 जितना एंकरिंग पॉइंट्स हमको चाहिए उतना एंकरिंग पॉइंट्स हम लोग इंस्टॉल करते हैं और रूफ का मूवमेंट मेजर करते हैं। जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है? जंक्शन में, लेकिन ए साइड और फ्लोर में भी ये सोनिक एक्सटेंसोमीटर हम लोग यूज कर सकते हैं। अब आते हैं लोड सेल। लोड सेल डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे वाइब्रेटिंग लोड सेल, रॉक बोट लोड सेल, और आता है आपका स्ट्रेन गॉज लोड सेल। चलिए वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल क्या होता है? ये वाइब्रेशन का प्रिंसिपल पे काम करता है, और ज़्यादातर माइंस में आजकल वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल यूज किया जाता है। वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल्स 20 से 50 टन कैपेसिटी जनरली ले सकता है, और अंडरग्राउंड माइंस में मेजरमेंट लोड मेजरमेंट करने के लिए और सपोर्ट सपोर्ट का इवेल्यूशन और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए वाइब्रेटिंग वायर लोड सेल्स यूज किया जाता है। अब होता है रॉक बोल्ट लोड सेल। रॉक बोल्ट लोड सेल किस में यूज किया जाता है? एक्सियल फोर्स, रॉक बोल्ट्स का एक्सियल फोर्स मेजर करने के लिए हम लोग रॉक बोल्ट लोड सेल यूज करता है। अब स्ट्रेन गॉज लोड सेल। स्ट्रेन गॉज लोड सेल नॉर्मली 4 स्ट्रेन गॉजेस होता है, और ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का ऊपर काम करता है। जब डिफॉर्म्ड स्टर्न गॉज डिफॉर्म होता है तो ये उसी के प्रिंसिपल में स्टर्न गॉज डिफॉर्म होके इसका रीडिंग देता है, यानी लोड इज मेजर बाय डिफॉर्म द स्टर्न गॉजेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड सेल, ये लोड सेल एक रूप में इंस्टॉल किया हुआ है, लोड सेल है और इसका बियरिंग प्लेट है, बियरिंग प्लेट के साथ ये ऊपर में इंस्टॉल किया जाता है। बात है स्ट्रेस सेल। कहीं पे अगर चेंज स्ट्रेस का चेंज और पिलर का अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप्ड होता है, स्ट्रेस मेजर करने के लिए स्ट्रेस सेल का यूज किया जाता है। और वर्टिकल टू मेजर द इंक्रीज इन वर्टिकल स्ट्रेस ड्यू टू डिफरेंट माइनिंग एक्टिविटीज स्ट्रेस सेल आर इंस्टॉल्ड। किसमें कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं? पिलर में, और बैरियर पिलर का साइड में, या जो कटिंग पिलर है उसका साइड में भी हम लोग कभी कभी स्ट्रेस सेल को यूज़ करते हैं, स्ट्रेस डेवलप कितना हुआ है इसको मेजर करने के लिए। रॉक बोल्ट स्ट्रेन गॉज लोड प्रोफाइल। रॉक बोल्ट का लोड प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करने के लिए रॉक बोल्ट स्ट्रेन गॉज हम लोग यूज करते हैं। स्ट्रेन गॉज रूफ बोल्ट का सपोर्ट जो हम लोग माइंस में सपोर्ट करता है, उस सपोर्ट को स्ट्रेन गॉज से उसको मॉनिटर करता है, उसको सपोर्ट एफिशिएंसी और कैरेक्टरिस्टिक्स अलोंग ईच रूफ बोल्ट मल्टीपल स्ट्रेन गॉजेस आर यूज्ड। यानी कि कोई भी एक सपोर्ट का क्लोजली स्पेस्ड स्ट्रेन गॉज हम लोग उसको इंस्टॉल करते हैं उस पर्टिकुलर सपोर्ट को मॉनिटर करने के लिए। अब चलिए कुछ इस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन रखा है। पहला क्वेश्चन है कि AWDT होल डेप्थ कितना होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ए ऑप्शन है 5 मीटर, बी 10 मीटर, 8 मीटर, सी 10 मीटर, डी 15 मीटर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर सपोर्ट सिस्टम एफिशिएंसी चेकिंग? AWDT, स्ट्रेस सेल, लोड सेल और ड्यूअल हाइट टिल्ट। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही आंसर कौन सा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर किसी को PPT चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, हम उसको भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।